फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ अपने ससुराल का होम टूर शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने घर का होम टूर करें तो ससुराल का, इसलिए मैंने आप लोग के लिए ये एक होम टूर बनाया है। और इस समय मैं अपने मायके में हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो अपने मायके में ही कर रही हूँ, लेकिन जो आगे का व्लॉग आप देखेंगे वो मेरे ससुराल का होम टूर है, जो कि मैंने स्पेशली आप लोग की डिमांड पर बनाया है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूँ आपको, मैं इस समय मुंबई में रहती हूँ और मैं अपने ससुराल मेरठ आई हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना हाउस टूर बनाया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छे अच्छे व्लॉग और वीडियोस देखने के लिए। मैं इस चैनल पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ डालती रहती हूँ, जिसमें कि मैं व्लॉगिंग आजकल ज़्यादा कर रही हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे ब्यूटी टिप्स भी दिए हैं और कुछ बच्चे से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत ही लाइक किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा ये हाउस टूर कैसा है तो, और हाँ, मैं आपको यहाँ एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, बट अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत कमी लगती है या कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ बैड कमेंट्स मत करिएगा, क्योंकि मैंने ये व्लॉग बहुत ही अपने मन से और अच्छे से बनाया है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना होम टूर, सबसे पहले स्टार्टिंग से कि मेरा जो एंट्रेंस है वो कैसा है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लांट से, जो कि मेरे घर के बाहर बहुत सारे प्लांट्स मेरे फादर इन लॉ ने लगाए रखे हैं। और ये देखिए, यहाँ पीहू भी खड़ी थी, वो खड़े होकर बाहर कुछ देख रही थी और मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो यहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं मेरे फादर इन लॉ ने, तो सबसे पहले मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, जो कि हमारे घर के एंट्रेंस का है। तो अभी हम मेन गेट से अंदर आ चुके हैं और सबसे पहला जो रूम है वो मेरे मम्मी पापा का ही है। तो ये रूम मतलब मेरे सास ससुर जी का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड पड़ा हुआ है और ये सामने अलमारी है, इधर साइड में है टीवी यूनिट और उसके ऊपर टीवी लगी हुई है। तो ये था मेरा यहाँ घर का फर्स्ट रूम। और इसको अगर चाहिए, देखिए ये मेन गेट है बाहर का, तो अगर आप इसको चारों तरफ से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब जब इस रूम से निकलते हैं तो ये एक बड़ी सी लॉबी है, जहाँ पे दो चेयर पर रखी हुई हैं और ये अरेंजर है, जो ये आप गेट देख रहे हैं बंद है, ये हमारे किचन का गेट है, बट मैं इसका अलग से किचन टूर आपको बाद में दूंगी। और ये है मेरा बेडरूम, तो अभी चलते हैं इसके अंदर और मैं आपको दिखाऊँगी। ये है बालकनी का रास्ता और ये है हमारा कॉमन वॉशरूम, इधर पर वॉशिंग मशीन रखी है। और ये देखिए, एक ये जो गेट है, मतलब ये जो डोर है, ये है हमारे ड्राइंग रूम का। तो अभी हम ड्राइंग रूम में सबसे पहले चलेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बड़े बड़े किंग साइज़ के, एल साइज़ के जो सोफ़े हैं वो रखा हुआ है और इधर हमारा फ्लावर पॉट है और नीचे कालीन मतलब कारपेट बिछी हुई है, सामने दीवान पड़े हुए हैं। तो अब आप पूरे ड्राइंग रूम का ओवरव्यू ले सकते हैं।
तो अभी हम लोग ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं और चलते हैं मेरे बेडरूम में। तो ये देखिए, ये है हमारा मास्टर बेडरूम और यहाँ मेरा सामने बेड पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे अपना जो ब्लैंकेट है वो भी लगा के रखा है और इधर हमारी वार्डरोब रखी हुई है, कर्टन लगे हुए हैं, सामने एसी लगा हुआ है। और अभी हमें यहाँ पे भी वार्डरोब लगवानी थी बट मैं इस रूम में रहती नहीं हूँ इसलिए मैंने नहीं लगवाया है। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मैंने पिक्चर अपने हस्बैंड को फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिया था, मतलब जब शादी के बाद मैं अपने मायके आई थी, उसके बाद मैं जब इनसे मिली थी नेक्स्ट टाइम तो फिर मैंने इनके लिए ये गिफ्ट लिया था। और ये देखिए, ये पूरा ये टीवी यूनिट थी मेरे किच मतलब रूम की, और ये पूरा ओवरलुक जो है मेरे रूम का ऐसा है, आप देख सकते हैं। डोर के पीछे कुछ कपड़े हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। जो सामने आप कर्टन देख रहे हैं इस पे ही मैं वार्डरोब लगवाने की बात कर रही थी। और ये कर्टन हटाते हैं तो यहाँ पे एक स्टोर रूम है बट मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी मैसी सा है। और इसी स्टोर रूम से ये देखिए डोर लगा हुआ है जो कि मेरा जो लेड बाथ है वो अटैच मेरे रूम से ही है। तो ये देखिए, ये मेरा पूरा रूम ऐसा है और काफ़ी स्पेशियस है। तो यहाँ पे पीहू के कुछ टैडी वैडी रखे हुए हैं। चलिए चलते हैं बाहर लॉबी में। तो ये देखिए, ये है लॉबी और इधर किचन का डोर है। तो किचन का मैं बाद में आपको दिखाऊंगी लेकिन चलिए थोड़ा सा मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और ये है मम्मी का बेडरूम और इधर था ड्राइंग रूम। ये है हमारा कॉमन वॉशरूम जो कि मैंने आपको खोल के मैं दिखा देती हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको अपना, ये है कॉमन वॉशरूम और इसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ किचन। किचन मैं आपको ओपन करके दिखा दूँगी बट मैं, ये है हमारी बालकनी जहाँ पर कपड़े सूखे हुए हैं तो वो मैं आपको अंदर जा कर नहीं दिखा रही हूँ। अगेन ये है मेरा रूम। तो देखिए सामने डोर बंद है, मैंने बंद कर रखा है, पीहू अंदर खेल रही थी। तो ये देखिए पूरी लॉबी का ऐसा लुक दिखता है। और अब मैं आपको किचन का डोर खोल के दिखाती हूँ, पीहू तुरंत बाहर आ जाएगी। देखिएगा, ये देखिए मैंने लॉक करके रखा था तो ये देखिए पीहू बाहर आ गई और उसने वही वाला कैप जो है मम्मी ने बनाया था वो लगा के रखा है और मम्मी यहाँ कुछ काम कर रही थी। तो यही मेरा हाउस टूर था। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो फिर से मैं अब आपको एक बार पूरा ओवरलुक दिखाती हूँ अपने घर का। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आपको ये ससुराल का हाउस टूर, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ वीडियो को जाने से पहले, फिनिश करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और इसमें क्या कमी लगी। तो चलिए फिर इसी के साथ ये हाउस टूर यहीं फिनिश करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको कल अपने नेक्स्ट ससुराल व्लॉग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।